रील बनाना पड़ सकता है महंगा। सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत कट्टे व तलवार के साथ वीडियो वायरल होने के बाद मामले को पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी अमरपाटन को दिए गए निर्देश, जिस पर पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध भय, संतरास एवं लोगों के बीच असुरक्षा की भावना उत्पन्न किए जाने वाले युवकों पर धारा 153 IPC के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही की। वही एक आरोपी अमित गुप्ता को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस टीम को I-20 कार से 2,08,00,000 रुपए और 93 ग्राम सोना मिला। कार मालिक शशांक शर्मा मेरठ का कारोबारी है। कैश जेवरात के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं पाया गया। इनकम टैक्स को सूचना दी गई। कथित भ्रूण हत्या मामले की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर चरण सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम, कलेक्ट किए गए सैंपल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम को लेकर रामनगर में सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा व राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने स्थल का किया निरीक्षण। हेलीपैड स्थल व सभा स्थल का लिया जायजा। 12 मई को संभावित है रामनगर में शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम। सद्भावना के सिपाही द्वारा शिक्षा में मदद एक मिशन के अंतर्गत शासकीय इंदिरा कॉलेज में CSP महेंद्र सिंह चौहान की मुख्य आतिथ्य में 50 बेटियों को स्टॉल प्रदान किए गए। संयोजक उमेश सहनी ने बताया कि गत वर्ष की भांति पढ़ने में तेज जरूरतमंद 50 बेटियों को स्टॉल देकर किया गया सम्मानित। सतना में हो रही अवैध शराब पैकारी के खिलाफ जल्द ही शुरू किया जाएगा अभियान। मुख्यमंत्री के दावे के खुलेंगे पोल। आखिर कैसे हो रहा सतना में अवैध शराब पैकारी और किसके संरक्षण में हो रही अवैध शराब पैकारी, पुलिस या आबकारी? 12 मई को सतना की जनता मुख्यमंत्री से पूछेगी सवाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में जिला कलेक्टर्स के साथ निवास में VC के माध्यम से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कई जनप्रतिनिधि भी वर्चुअली हुए शामिल। सूम बच्ची को न्याय मिले, अपराधी को फांसी की सजा। अग्रवाल समाज ने निकाली मैहर में रैली। मैहर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर आज अग्रवाल समाज ने मैहर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अग्रवाल समाज के साथ मैहर के आम नागरिक भी रहे मौजूद।